वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट एकेडमी को स्वागत करुच्चु। जी प्रथम थर पर चैनल को विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करना आज ही चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं लाटेस्ट अपडेट आप सर्वप्रथम पारे। देखो जो कनिष्ठ शिक्षक निजुक्ति गत काली जो हाईकोर्ट में विचार आपंकर होता जो देखा एवं भी जेटीएस निजुक्ति आप स्टे रही झुलला अवस्था अच्छी जो थे कि 30 भाग्य परीक्षा हम आपणकर जो सत्यपाठ दाखल कराने की दि जाएगी। जदि सत्यपाठ दाखल पूर्व रिजोल्यूशन आउ ए रिजोल्यूशन जो दुईटा सेम रही है ना जदि आप सेम रही है तेल जो ड्राफ्ट लिस्ट आप बाहर से चेंज होगा जाऊँचे। जो देखा ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन हो सारापर से तरफ पेपर वन के सिलेक्टेड आ पेपर टू पर कैसे सिलेक्टेड से कैटेगरी वाइज आपंकर काली ओसेपा डायरेक्टर आपंकर जहाँकि ओसेपा आउ आवेदनकारी पक्षर सत्यपाठ दाखल कराई 30 परवर्त शुणी आप रही जो देखा गत काली भी परीक्षा पूर्व आपंकर जो फिजिकल हैंडिकाप्ट जो मैंने स्ट्राइक करते से गत काली पुणी थे ओसेपा कार्यालय में भिन्नक्षम प्रार्थी मैंने पुणी थे स्ट्राइक करते जहाँकि कनिष्ठ शिक्षक निजुक्ति में अनियमित अभियोग पुणी थे गत काली आपंकर स्ट्राइक करते ओसेवा सामने ता सहित तो जो हाईकोर्ट रे जो हियरिंग थिला से हियरिंग डेट आपंकर घुंचा जाए जहाँकि 30 तारीख दिन आपंकर हियरिंग अच्छे आपंकर गोटे केस नुह पाखापाखि होते सब केस पड़ू सब केस रे गोटे डेट्रे आपंकर समाधान हुए ना केतले आपंकर कहार दुईटा कहार तीन टा एमती आप डेट आप घुंची चले जो देखा 30 तारीख दिन जो भाग्य परीक्षा हम आपर ये जो रही कि पेपर वन वर्तमान पर सिलेक्टेड कैंडिडेट होती 8,829 जन ता सहित पेपर टू पर 7,399 जन आप सिलेक्ट हो सारी एति की पे आप चाकरी पाए जो कह जाऊ कि पेपर टू में अधिक वैके पड़ो जदि ये देखा देखो आपणकर आज पेपर आर्टिकल ये आपको दिखाई देखो जो 20,000 20 तारीख दिन कैटेगरी वन रे जो 9,982 जन प्रार्थी जो मत जो डॉक्यूमेंट जांच होता 9,982 जन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता से 8,829 प्रार्थी नाम तालिकाभुक्त कराई जो 8,829 प्रार्थी नाम तालिकाभुक्त कराई ता सहित जो फाइनाल जो मेरिट लिस्ट आप फाइनाल मेरिट लिस्ट आप आसनी पाखापाखि 9,982 जन रु 8,829 जन तालिकाभुक्त कराई आउ बाकी जो रही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आपंकर आसी ना से हीपरी 21 तारीख दिन जो कैटेगरी टू रही 8,806 जन प्रार्थी डॉक्यूमेंट जांच पर 7,399 प्रार्थी तालिकाभुक्त कराई 7,000 पिला ये आप सिलेक्टेड होती ये आप 8,000 तेल 8 साथ आप 15,000 पाखापाखि आपंकर चाकरी पाइबे ये 8,000 आप ये है 7,000 15,000 पोस्ट आपंकर फिलअप होगा जाऊँच कितु जो देखा जो 20K वैकेंसी आपंकर बाहर 20K वैकेंसी रु आप 15K वैकेंसी आप फिलअप होगा जाऊँच जहाँकि पेपर आर्टिकल आज आप कि पिला तालिकाभुक्त आपंकर अच्छा अपर पक्ष जो देखा जो आवेदनकारी विरोध करा जो हाईकोर्टर जो हियरिंग होता जो देखा 30 तारीख दिन जदि आपंकर जो रिजोल्यूशन पूर्व रिजोल्यूशन ए रिजोल्यूशन जो किसी चेंज न हुए तो ड्राफ्ट लिस्ट जो बाहरी सेटा भी पुणी थे आपंकर चेंज हे जहाँकि फल जो मैंने भी आपंकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करी ड्राफ्ट लिस्ट आप चेंज हुए जो मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनर्वर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा पड़ो पुणी थे जो न्यू ड्राफ्ट लिस्ट आप आसवे जो पिला ना रोक से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे ता सहित जो मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते भी आप थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। जो गत काल जो देखा देखो कनिष्ठ शिक्षक निजुक्ति को चैलेंज कर रुजु मामलें बुधवार ओसेपा आउ जो आवेदनकारी उभय पक्षर सत्यपाठ दाखल आपंकरा जहाँकि जवाब प्रतिजवाब दाखल कराई सत्यपाठ दाखल पर हाईकोर्ट मामलों शुणी 30 तारीख दिन धार्य रोज 30 तारीख दिन ही आपंकर भाग्य परीक्षा हे से पर्यंत यही निजुक्ति जाति अंतरीण रहीदेश बलवत्तर आपंकर स्टे होकर अच्छी 30 तारीख दिन आपंकर फाइनाल हे 30 तारीख दिन भी आप फाइनाल न हुए पुणी आप डेट भी एक्सटेनसन होबार अच्छे चिंतामणि भूं जी आप केस कर जो आगत मामला शुणी कर विचारपति जस्टिस जो बीरजा प्रसन्न शतपथ जो लड़ुं यही निर्देश देखते एथस यही मामला हाइकोर्ट ओसेपा को पुनर्बार रिपोर्ट तलब कर हाइकोर्ट निर्देश क्रमे बुधवार ओसेपार राज्य प्रकल्प जो निर्देशक रे अनुपम शाह सत्यपाठ दाखल कर दर्शाई
20 ଏବଂ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଅଦାଲତ ଗାଁ କଟକଣା ପାଇଁ ଚୟନ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କେସ୍ ହେଉଛି ତେଣୁକରି କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। କେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ 30 ତାରିଖ କୁହାହେଉଛି, 30 ତାରିଖର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ରାୟ ଆସିବ, ରାୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ହୋଇଛି, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି କଟିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାହିଁ କଟିଛନ୍ତି ସେ ରିଜନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଯିବ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସରିବ। ଯେଉଁ କୁହାହେଉଥିଲା କି ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ସୁଦ୍ଧା ନା ଫେବୃଆରୀ ଆପଣଙ୍କର 15 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ସରିଯିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ଡିଲେ ହେବ। ଆପଣ ଜାଣୁପାରୁଥିବେ ଜାନୁଆରୀ 30ରେ ଆପଣଙ୍କର ସରିବ ଯେଉଁ ହିୟରିଂ, ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେବ, ତା ସହିତ ଫେବୃଆରୀ 15 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କର ସରିବ ନାହିଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଫେବୃଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଗଡ଼ିବ, ଆଉ ଯଦି ବି କେସ୍ର ହିୟରିଂ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚାଯାଏ ସେ ବି ଡିଲେ ହେବ। ନିହାତି ଭାବରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାହେଉଛି। ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।